Yo, what's happening guys? My name is Pro Gamer. तो आज हम खेलने वाले हैं क्रिसमस वर्ल्ड माइनक्राफ्ट। तो ये वर्ल्ड मैंने खुद के, तो गाइज मैं कुछ कोई भी मॉड नहीं डाउनलोड करता और ये भी मैं खुद के बिल्ड हैक से बनाया हूँ। ये जो गिफ्ट बॉक्स है, तो गाइस ये घोड़े रखने की जगह नहीं है तो मैंने घर पे रख दिया आके। तो गाइस इसका तो चलो फर्स्ट पर्सन करते हैं। अरे अभी भाई हम दो मंजिल पे कब आ गए? ठीक है जो भी छोड़ो जो भी हो गाइस, ये है हमारा शीशा। गेम थोड़ा लैग कर रहा है। गेम भी बहुत ही गेम है। ये है मेरा बेड, ये मेरा बेडरूम दो मंजिल में। ये मेरा आर्मर, एंड अब मैं ये आर्मर तो नहीं पहनूंगा लेकिन भाई चीजें डुप्लीकेट हो गई। ये बढ़िया है। तो देखिए इधर कुछ नहीं है, व्हाइट वाले सर्कल बॉक्स में है। तो मैं ये वाला पहनता हूँ। तो गाइस ये है सेंटा का ड्रेस। चलो देखते हैं कि ये ड्रेस पहन के कैसा लगता है। 1 2 3 4 तो कहें चलिए देखते हैं। तो गाइस अब बारी है बाहर जाने। तो गाइस अब हम बाहर आ चुके हैं। तो ये रहा मेरा टोटल हाउस। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है घर का, लेकिन डिटेलिंग बहुत अच्छा है। तो ये है हैवेल्स। तो गाइस ये है मेरा बी क्रिसमस ट्री, बहुत अच्छा दिख रहा है। गाइस क्रिसमस ट्री अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। अरे भाई गेम इतना लैग क्यों कर रहा है? हाँ अब ठीक है। अब मैं आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये है पम स्केयरक्रो और ये है छोटे छोटे गिफ्ट बॉक्स। ये बड़ा वाला गिफ्ट बॉक्स। और ये है छोटा सा एकदम ये वाला व्यू अच्छा है। ओह नो, ये देखो इधर बैठ के एकदम मस्त वाला वीडियो, मतलब वीडियो तो नहीं वीडियो व्यू, एकदम मस्त वाला व्यू है। कैंप फायर के सामने बैठ के एकदम मस्त, लेकिन इतना लैग क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली गाइस ये वीडियो में आज नहीं अपलोड कर सकता क्योंकि आज मैंने एक स्क्विड गेम का वीडियो डाला है। तो मैंने ये रात के 6:30 बजे बना रहा हूँ। शायद से अपलोड नहीं हो पाएगा ये वीडियो, कल को हो पाएगा जरूर से। वो देखो गाइस एक स्नो गोलम जा रहा है चल के। तो गाइस ये सेंटा का है। तो गाइस स्पेशल वीडियो आने वाला है। आज तो 25 दिसंबर नहीं है इसलिए आज ज़्यादा स्पेशल नहीं दिया क्रिसमस का वीडियो,
दूसरा भी आने वाला है, पार्ट टू। पार्ट टू में इस वर्ल्ड से भी अच्छा वर्ल्ड मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना, बेल आइकन को भी दबा के रखना।